गुड इवनिंग भाई साथियों कैसे हैं सभी लोग जुड़ जाइए बेटा फटाफट अनिल जी सलितालबी जी रोहित जी अमन जी प्रकाश जी राम भैया आकाश जी सभी लोग जुड़ चुके हैं अनिल निर्मा जी क्या बात है भाई चुन्नू मुन्नू भाई की तरफ से तो चलिए भाई पहले तो जोरदार लाइक हो जाए को जरा जितने लोग जुड़ चुके हैं बेटा फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए नेहा कुर्मी जी गुड इवनिंग बेटा सोनू जी सतीश जी हेलो बेटा तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए प्रीति मौर्य शिवाजी लक्ष्मी जी सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और आज तो भाई जंग होनी है जंग की तैयारी कैसी है क्योंकि आज तो आपके एम होने हैं आखिर आपने दो दिन बिजली और चुम्बक में कितना सीखा है आशना जी गुड इवनिंग बेटा लवकोश चलिए भाई जल्दी से स्टार्ट किया जाए आज का सेशन तो चलिए भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं तो भाई ए रहे हमारे बेटा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के भाई सुनहरे चेहरे इन लोगों ने भाई रिजल्ट में आग लगाई थी तो अगला नंबर आपका है देखते हैं आप आग लगाने की तैयारी कैसे कर रहे हैं सर फॉर्म कैसे भरें राम जी बिल्कुल भाई इसका एक अलग से वीडियो ला दिया जाएगा उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा सूरज जी भाई गुड इवनिंग तो चलिए भाई फटाफट समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या आने वाला है जल्दी से कैलकुलेशन करिए देखते हैं आपका मैथ कितना फास्ट है भाई बिल्कुल जल्दी से बताइए कितनी स्पीड आपकी फास्टेस्ट सर्व जी गुड इवनिंग सूरज जी गुड इवनिंग भाई देखिए सोनू जी का जवाब आ चुका है सोनू जी कह रहे हैं कि सर इसका सी आंसर होगा चलिए भाई हम चेक करते हैं देखो बेटा मैंने कल भी बताया था कि जो घरों में बिजली का खर्चा आता है वो किसमें आता है बेटा यूनिट के रूप में और यूनिट का मतलब क्या होता है किलो बाट घंटा अब सबसे पहले मैंने आपसे कल भी समझाया था कि आप टोटल बॉट निकालिए कि टोटल बॉट आप कितने खर्च कर रहे हैं तो भाई टोटल बॉट कितने हैं, आपके सौ बॉट कितने घंटे जला रहे हैं भाई आवर्स कितने दिए दस यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हंड्रेड इंटू कितना होता है टेन अब आप गौर से देखें बेटा तो अभी ये क्या हुआ है बॉट इंटू आवर जबकि हमारा बिजली का बिल जो आना है वो किस में आना है किलो में तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हजार से डिवाइड कर दीजिए जैसे ही डिवाइड किया तो भैया दो और एक तीन बिल्कुल सही आंसर था बेटा आंसर क्या होगा क्या बात है सभी ने बिल्कुल के खर्चे के साथ यदि आप लाइक करेंगे तो भाई ज्यादा बिजली का बिल नहीं आएगा चलिए फटाफट जोरदार लाइक कर दीजिए बेटा सेशन को चलिए अगला क्वेश्चन एक फोटो सेल जो आपके पास है देखिए भाई एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है फोटो सेल समझते हैं बेटा जो हमारा एक सोलर सेल होता है जिसमें बेटा क्या होता है सोलर सेल एआईसी को हम क्या बुलाते हैं भाई सोलर प्लेट तो जो आपकी सोलर प्लेट होती है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर सोलर प्लेट प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज करेगी तो भाई देखिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है फटाफट मैं डिस्कवर नहीं करूंगा पहले आप बताइए फिर मैं आपके डाउट दूर करूंगा अमन जी कह रहे हैं कि सर डी आएगा चलिए भाई देखते हैं और कोई आंसर अमन जी डी दे रहे हैं प्रियंका जी बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी भाई बिल्कुल सही बात है भाई इस पर प्रकाश पड़ेगा इस पर सूर्य की अल्ट्रा वायल्ट रेंज पड़ेगी तो भैया इसका जो सेमी कंडक्टर है इसका जो अर्ध चालक है वो अर्ध चालक बेटा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और बदले में उससे हमें क्या मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी भाई उससे बदले में क्या मिलेगी बिजली बिल्कुल सही आंसर है विद्युत ऊर्जा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो हमारा बोट होता है जो पावर का मात्रक है है उसको हम कैसे और लिख सकते हैं बताइए भाई इसका क्या आंसर आने वाला मधु जी डी सीमा जी बिल्कुल भाई पिछले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो बॉट होता है पावर का मात्रक उसको आप और कैसे लिख सकते हैं सोनू जी कह रहे हैं सर ए होगा बोल्ट में लिख सकते हैं वहीं पर रोहित जी कह रहे हैं डी डी बाई ए नेहा जी का ए है मधु जी का डी है भाई सल्त भा, भाई का है जूल पर सेकंड एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों यदि आपका बॉट और बोल्ट एक होता तो हम कहीं ना कहीं तो देखने को मिलता एक्चुअल में बेटा बॉट बॉट का मतलब ही क्या होता है शक्ति और यदि आप याद करें बेटा शक्ति का रियल मीनिंग क्या होता है डब्ल्यू अपॉन कार्य करने की दर तो भैया कार्य का ऐसा ही मात्र क्या होता है जूल और एक बात आई समय मतलब ही मात्रक क्या होता है है तो तो भैया जूल पर वही बेटा बॉट को हम लिख सकते हैं ऐसे क्या ऑप्शन कोई दिख रहा है जिसमें जूल पर सेकेंड की बात की जा रही हो तो देखिए बेटा जूल पर सेकेंड का ऑप्शन हमें किसमें मिलता है सी में बिल्कुल भाई अनिल जी और अमन जी भाई मैं सॉल्व नहीं कर पाया आपने पहले ही सॉल्व कर दिया वेरी गुड पूजा दांगी जी कोई लेट नहीं हुए हैं बेटा केवल दो तीन क्वेश्चन निकले अगला क्वेश्चन बताइए जो गैल्बनाइज लोहा होता है बिल्कुल भाई मिशेश ठाकुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रियंक प्रियंका जी बिल्कुल बेटा आपका सही है अगला क्वेश्चन बताइए अब मैं दे, देखता हूं कि कौन सबसे पहले सही आंसर देगा भाई आशना जी सही आंसर ठीक है बेटा पिछले का हो गया अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए गेल्बनाइज लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका पेंट किया जाता है देखिए भाई कोई कह रहा है सी कोई कह रहा है ए ए सी भाई देखिए ज्यादातर लोग होता है तो देखिए आपने यदि अपने घरों में कई बार बेटा बर्तन देखे होंगे और जब आप अपने घर के बर्तन देखते हैं आप एक चम्मच देखते हैं तो वो चम्मच बेटा कई बार स्टील की ना होकर ऐसी चमकती है जैसे वो चांदी की लेकिन वो चांदी की चम्मच नहीं होती भाई वो वास्तव में क्या है गेल्बनाइज आयरन होता है इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई पार्ट हमारा लोहे का बर्तन होता है इस पर हमें किसकी परत चढ़ानी चाहिए जिससे गेल्बनाइज आयरन हो जाए तो इस पर बेटा हमें क्या करना चाहिए इस पर आपको बिल्कुल सही आंसर दिया था भाई सरप्राइज नहीं रखता हूं सही आंसर क्या था जिंक की लेयर चढ़ाने को हम क्या बुलाते हैं गेल्बनाइज लोहा लेकिन एक बात समझिए इसमें कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एक तो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि आखिर हम इतनी शानदार और सुनहरी अपनी चम्मच कैसे बना सकते हैं तो देखिए भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर आपको जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखना होगा आप किसका सॉल्यूशन रखेंगे जिंक सल्फेट का वहीं पर आप क्या करेंगे जो चम्मच होती है आप इसे बेटा माइनस चार्ज या किस पर लगाएंगे कैथोड पर लगाएंगे वहीं पर बेटा आप जिंक की छड़ एक इस पर लगाएंगे बेटा एनोड पर ये याद रखिए सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या हुआ भाई यदि आपको लोहे पर जस्ते की परत चढ़ानी है तो भैया आप जिस पर परत चढ़ानी है उसे आप कहां पर रखेंगे कैथोड पर प्लेस करेंगे और जिसकी परत चढ़ानी है उसे आप कहा प्लेस करेंगे एनोड पर और भाई जैसे ही आप करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट कौन सा चाहिए तो याद रखिए बेटा इस काम के लिए हमेशा आपको डीसी चाहिए एसी यदि आप दे देंगे तो एक काम नहीं होगा एक काम नहीं होगा बेटा आपको क्या चाहिए इसमें डीसी चाहिए अब डीसी जैसे ही देते हैं तो बेटा इससे हमारे जिंक आयंस तेजी से कहां आते हैं चम्मच की तरफ और लोहे की चम्मच भी चांदी की तरह चमकती हुई चम्मच बन जाती है तो मजा आ जाता है तो चलिए भाई ये पूरी सभी बातें याद रखनी थी आपको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बताइए भाई निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बेटा कैसा है आपका अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय को ही हम क्या बुलाते हैं बेटा पैरा मैग्नेटिक अनुचुंबकीय होता क्या है चलिए भाई यदि हम अनुचुंबकीय की बात करते हैं देखिए बेटा अनुचुंबकीय या पैरा मैग्नेटिक की हम बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ बेटा जो किसी चुंबक के पास लाए जाते हैं ये आपकी चुंबक है और यदि किसी पदार्थ को हम उसके पास ला रहे हैं तो बेटा इस चुंबक के कारण इसमें भी क्या आ जाएगा चुंबकत्व इसमें भी क्या आ जाएगा मैग्नेटिज्म किसमें आ गया भाई मैग्नेटिज्म इसमें आ गया ए भी एक चुंबक बन गई लेकिन ये चुंबक कैसी बनेगी बेटा कमजोर तो ऐसे पदार्थ जो मैग्नेट के पास लाए जाने पर चुंबक बन जाते हैं लेकिन इनकी दिशा वही रहती है जो हमारी चुंबक की रहती है ऐसे पदार्थों को हम क्या बुलाते हैं अनुचुंबकीय। है तो देखिए भाई लोहा आपका डायमैग्नेटिक होता है हाइड्रोजन आपका डायमैग्नेटिक है नाइट्रोजन डाई है सही आंसर क्या होता है ऑक्सीजन तो जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है बेटा बिल्कुल याद रखिए वो हमारा किसका उदाहरण होती है अनुचुंबकीय का चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल भाई ऑक्सीजन बिल्कुल भाई बिल्कुल सही प्रकाश जी सीमा जी भाई बिल्कुल सही है कल्याणी जी का आंसर बिल्कुल सही था बेटा बिल्कुल सही था बेटा कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन देखिए अब आप आगे दीपिका दांगी जी बिल्कुल सही हो गई है तो कितनी खुश लग रही है वाह बेटा चलिए भाई अगले क्वेश्चन को आपको देखना है अगले क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है मेगर किसको मापने का एक उपकरण है बताइए भाई एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपके पास और वो क्वेश्चन का आंसर आप क्या देने वाले हैं बिल्कुल भाई अमन नामदेव जी कह रहे हैं कि सर इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है और आरती जी आरती जी अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रही है हरिशंकर लोधी जी बिल्कुल सी बता रहे हैं सी बता रहे हैं तो देखो भाई याद रखना कि जो मेगर होता है बेटा ये बताता है आपका इंसुलेशन प्रतिरोध इंसुलेशन प्रतिरोध इंसुलेशन प्रतिरोध का ही मतलब क्या होता है बेटा जब आवश्यकता से ज्यादा प्रतिरोध होता है या जो हाई रेजिस्टेंस होते हैं उन हाई रेजिस्टेंस को बताने का तरीका वही क्या होता है मेगर एक्चुअल में इंसुलेशन पदार्थ वो होते हैं जिसमें से करंट बिल्कुल भी नहीं जा सकती और उनको बताने का सही तरीका क्या होता है बेटा मेगर होता है मैगी समझ के मत खाना नहीं है बेटा मैगी से दूर रहो नहीं तो पाचन बिगड़ जाता है तो चलिए भाई अरे बुरा मत मान जाना ही तो जो मैगी खा रहा हो कहेगा सर हम तो यही खाएंगे बिल्कुल सही अमन नामदेव जी चलिए भाई प्रकाश चंद जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अगला आइए घरों में लगे बिजली के मीटर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है उसको किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं सीधी सच्ची बात कि भाई आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है उसका मेजरमेंट किस रूप में होता है जल्दी से बताइए भाई आकाश जी बाजी मार रहे है सबसे पहले ऐसा लग रहा है आकाश जी ने के डब्ल्यू एच आंसर दिया है कल्याणी जी वही दे रही है मधु ग्वालियर से बेटा यही आंसर दे रही है तो आप बिल्कुल सही है बेटा डब्ल्यू एच का ही मतलब होता है किलो वाट आवर कितने किलो वाट बेटा बिजली आपने कितने घंटों में खर्च किए और इसको मल्टीप्लाई करिए तो यही क्या बन जाता है यूनिट और इसी में क्या आते हैं भाई अपने घरों के बिल बोल्ट का पूछा जाए कि ये किसका मात्रक है तो बेटा वोल्टेज का मात्रक हमारा क्या होता है बोल्ट वोल्टेज का मतलब ही क्या होता है विभव या पोटेंशियल एम्पियर का पूछा जाए एक किसका मात्रक है भाई तो एक किसका मात्रक है बेटा धारा या करंट का मात्रक है हमारा एम्पियर ओम का मात्रक पूछा जाए एक किसका होता है तो भैया ओम किसका होता है बेटा प्रतिरोध या रजिस्टेंस का होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है देखिए भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मुक्त रूप से जो निलंबित चुंबकीय सुई सुई है है आपको आपको एक मैग्नेटिक बेटा आपको सुई दी गई आखिर वो किस दिशा में ठहरेगी देखिए भाई आकाश जी इस बार बाजी मार रहे हैं ऐसा लग रहा है आकाश जी से पहले पारुल जी का आंसर आ चुका है तो भाई बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बेटा एक मैं आपको बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछूंगा अभी इसके बाद बेटा एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और देखते हैं आप उसका क्या देंगे। अभी अभी इस पर चर्चा कर लेते हैं मान लीजिए बेटा आपके पास एक मैग्नेटिक सुई है और आपने इसे स्वतंत्रता पूर्वक जैसे ही घुमाया और जब फ्रीली छोड़ा तो ये हमेशा बेटा इसका एक सिरा पृथ्वी के उत्तर में और एक सिरा कहां रहेगा बेटा दक्षिण में बिल्कुल सही जवाब था भाई अगला क्वेश्चन बताइए अगला क्वेश्चन बताइए चुंबकीय कंपास बता की सुई किस ओर अंगित करती है चलिए भाई प्रमोद जी बिल्कुल सही आंसर दे चुके हैं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है देखिए भाई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण आंसर आ चुका है कुछ लोग बेटा बी आंसर दे रहे हैं रवीना जी आरती जी बी आंसर दे रहे हैं अंकी जी का सी है अनिल भैया का सी है मोनिका जी का बी है प्रकाश जी सी आंसर दे रहे हैं देखिए बेटा छोटी सी बात बताऊं कि इसमें से बेटा कई लोग गच्चा खा गए आप लोग इसका सही आंसर क्या था मैग्नेटिक नॉर्थ याद रखिए इसका सही आंसर क्या आना चाहिए था बेटा ए और इसका ए आंसर होने का एक कारण है कि बेटा जो चुंबकीय सुई होती है एक्चुअल में चुंबकीय सुई का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट हमेशा बेटा किस डायरेक्शन में घूमता है नॉर्थ में इसीलिए कहा था कि किस ओर इंगित करती है तो इसका बेटा पूरा फ्लेक्चुएसन किसको दिखाता है नॉर्थ को इस सुई में हम साउथ पोल को नहीं बताते डायरेक्शन तो सभी बनी रहती है लेकिन इसकी चुंबकीय सुई का फ्लेक्चुएशन हमेशा किसकी ओर इंगित करेगा बेटा नॉर्थ को तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही प्रकाश जी सही कह रहे हैं चलिए भाई इसीलिए कहा था कि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है भाई देखो पहले तो फटाफट लाइक करो भाई एक अच्छा क्वेश्चन दिया था आपको सभी टपक गए पूजा जी सही कह रही है सभी का विकेट चटक गया भाई कल इंडिया का ऐसा ही कुछ हाल हुआ था तो फटाफट पड़ लाइक करो बेटा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही प्यारे होंगे साक्षी जी गुड इवनिंग बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से सीमा जी दीपका जी अलेश बिसेन बेटा आप लोग आकाश जी देखिए भाई सभी लोग जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं वन पॉइंट फाइव देखिए भाई आप लोगों के घरों में बेटा जो सेल इस्तेमाल होता है जो एवरी डे सुमो ये सब आप लोग सेल इस्तेमाल करते हैं इसमें क्या होता है बेटा कार्बन की छड़ को हम एज एनोड इस्तेमाल करते हैं और वहीं पर बेटा जिंक या कॉपर का हम एक सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जो किस रूप में होता है बेटा कैथोड के रूप में कैथोड का मतलब क्या होता है माइनस चार्ज के रूप में एनोड का मतलब क्या है प्लस चार्ज के रूप में तो भाई जो शुष्क छल की क्षमता होती है वो कितनी होती है वन पॉइंट फाइव वोल्टेज बिल्कुल सही था भाई चलिए भाई अगला क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं चलिए भाई क्वेश्चन समझना विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं ऋषभ जी गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग भाई जल्दी से बताइए विद्युत ऊर्जा की क्षमता नापने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे भाई डी का आंसर दे रहे हैं डी 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 की बाहर आ रही है और भाई कुछ लोग बी के साथ जुड़ गए हैं तो भैया याद रखिए ना तो डायनेमो है ना ही बोल्टा मीटर है बेटा सही आंसर क्या था गच्चा फिर से खा गए किलो वाट घंटा किलो वाट घंटा द देखिए भाई अमन जी का आंसर सही है ऋषभ जी का आंसर सही है कल्याणी जी लपकुश जी लपकुश जी ये नहीं बेटा सी क्यों हुआ बेटा आपके साथ एक गलती एक्चुअल में किलो वाट आवर इसमें जो W लगा होता है वो W देखकर हमें क्या लगता है कि ये शक्ति को बताएगा लेकिन ऐसा नहीं है किलो आवर अपने आप में एक किसका मात्रक है, बेटा, एनर्जी का गलती मत करिए किलो आवर अपने आप में किसका मात्रक है ऊर्जा का ना कि शक्ति का बाट लगा होने का मतलब ये नहीं कि भैया ये शक्ति का मात्रक है एक्चुअल में बाट के साथ साथ समय भी जुड़ा हुआ है याद करो पी इक्वल टू अपॉन टी शक्ति का क्या होता है कार्य करने की दर और आपने टाइम से टाइम से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो टाइम से टाइम कट गया तो बचा क्या भाई कार्य या ऊर्जा गलती कर गए यंत्र पूछा है सर कहाँ पूछा है बेटा मापने के यंत्र को कहते हैं बेटा यंत्र का सीधा सा मतलब इसी के साथ होता है कि जो आपके बिजली के बेटा बिल आपके आते हैं वो मीटर में आते हैं जो घरों में मीटर टंगा होता है बेटा कोई बात नहीं जो आपका मीटर टंगा होता है बेटा वही तो आपके घर में इन नापता है कि कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है तभी तो भाई उसका मात्रक हमारा क्या बन जाता है के डब्ल्यू एच चलिए कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन बताइए अगला क्वेश्चन बताइए भाई प्रवीर जी डाउट क्लियर हुआ बेटा चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से पैरा मैग्नेटिक कौन से देखो भाई चुंबक का क्वेश्चन है कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं तो देखो भाई पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं मान लीजिए आपके पास एक बढ़िया प्यारा सा चुंबक है और इसके पास में आप एक दूसरा कोई पदार्थ लेकर आते हैं तो बेटा इसके असर से इसमें चुंबकत्व तो आ जाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकत्व तो लेगा इसका मैग्नेटिज बेटा कैसा होता है अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक तो भाई पैरामैग्नेटिक का सही आंसर आपका क्या आने वाला है मैग्नीशियम के डबल आइंस याद रखिए भाई कॉपर नहीं बेटा मैग्नीशियम के डबल आयंस होंगे वो आपका क्या होने वाला है सही आंसर चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है भाई बड़ा ही छुटकूसा क्वेश्चन है बड़ा ही छुटकूसा क्वेश्चन है जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भैया विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है क्या हैनरी इसका मात्रक है क्या बेटा इसका कुलॉम मात्रक है कि एम्पियर मात्रक है कि सभी है देखिए भाई क्या बात है क्या बी 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 की बाहर आई है तो भैया जब आपकी बाहर आ गई तो इस आंधी को तो मैं भी नहीं रोक सकता बिल्कुल सही बात है भाई कुलॉम्ब होता है कुलॉम्ब इसका सही मात्रक है बेटा बिल्कुल सही अगला बताइए निम्नलिखित पदार्थों में से इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कौन है क्या चीनी मिट्टी अच्छा कंडक्टर है कि माइका अच्छा कंडक्टर है कि गिलास अच्छा कंडक्टर है कि एल्यूमिनियम अच्छा कंडक्टर है जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा अगला क्वेश्चन क्या देखिए भाई सौरभ मिश्रा जी लगता है कि बाजी मार चुके अमन नामदेव जी पारुल जी डी 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 बिल्कुल सही भाई इन सब में बिजली नहीं बहने वाली एल्यूमिनियम में जब जाएगी खटाक से आगे बढ़ेगी और जिनमें बिजली आगे बढ़ जाती है वही हमारे क्या होते हैं गुड कंडक्टर चलिए भाई बिल्कुल सही चलो भाई रुको 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 अगला क्वेश्चन आ चुका है अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है बेटा और जल्दी से बताना कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला हेनरी किसकी इकाई है किस चलिए भाई हेनरी किसकी इकाई है बेटा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माइका नहीं बेटा उसमें हीट कंडक्ट नहीं होती चलिए भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन सबसे पहले तो देखो भाई हेनरी भाई साहब को मैं तभी बताऊंगा पहले तो लाइक करो जोरदार क्योंकि व्यूअर्स ज्यादा है और बेटा लाइक नहीं आते हैं कैसा न्याय है हमारे साथ भाई सी 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 का आंसर दे रहे हैं कुछ लोग डी कंफ्यूज अरे भाई देखिए सही आंसर है बेटा सौ प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस देखो भाई क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है और इलेक्ट्रिसिटी के कारण इसमें से प्रेरण धारा पैदा हो जाती है वर्लपूल बेब्स पैदा हो जाती है या इसमें चुंबकत्व तो पैदा हो जाता है तो भाई इसी सिद्धांत को हम क्या बुलाते हैं स्व प्रेरण जब किसी में इलेक्ट्रिसिटी भेजे जाने पर उसके चारों ओर भवर धाराएं पैदा हो जाती हैं इसी को हम क्या बुलाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस है. इसका मापने का सही इकाई क्या है भाई हेनरी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बताइए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है बेटा प्रेरित विद्युत बल की दिशा ऐसी है कि उसके कारण का भाई हमेशा विरोध करती एक किसका नियम है भाई एक किसने कहा था ऐसा इतिहास की तरह स्टेटमेंट नहीं है भाई ऐसा मत कर देना जल्दी से बताइए आखिर एक कथन किसका है बेटा भाई सी 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 का आंसर दे रहे हैं नहीं है भैया नहीं है बेटा मिस्टर लेंज इज द करेक्ट आंसर एक इसका नियम है लेंज का लेंज ने क्या कहा है बेटा कि जैसे बेटा जब भी हम किसी में इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी भेज दी तो बेटा इसके कारण जो धाराएं पैदा होती है और दूसरी कॉइल में बेटा इसमें जो विद्युत पैदा होगी वो कैसी होगी प्रेरण विद्युत प्रेरण विद्युत की दिशा हमेशा अपने कारण के कैसी होती है अपोजिट ए स्टेटमेंट किसका था बेटा मिस्टर लेंज का एक किसका नियम था भाई लेंज का नियम था चलिए अगला क्वेश्चन भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति क्या है चलिए भाई भारत में हमारे घरों में जो करंट भेजा जाता है याद रखिए बेटा अगला क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कह रहे प्रकाश जी लेंज बिल्कुल भाई प्रकाश जी कह रहे हैं कि सर वन ट्वेंटी फ्रिक्वेंसी है भाई आंसर डिलीट भी हो गया सतीश जी बी आंसर दे रहे हैं बी 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 पचास आकाश जी साठ की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल भाई मैं बताऊं थोड़ी सी बात करूं तो याद रखिए बेटा सही आंसर क्या है पचास हज देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फिक्स तैयार होना चाहिए एक्चुअल में हमारे इंडिया में आप कोई भी बल्ब ट्यूबलाइट पंखा मोबाइल चार्जर किसी को भी आप गौर से देखें तो बेटा उस सब पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 220 सौ 50 वोल्टेज आवृत्ति के लिए ये उपकरण कैसा है बिल्कुल सूटेबल क्योंकि आपके घरों में कितना वोल्टेज आ रहा है 220 और आपके घरों में जो करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा 50 हर्ज इसमें भी हमारा एग्जामिनर क्या घुमाता है भाई कि 220 का मैक्सिमम मान कितना होता है तो देखो भाई घरों में 220 एसी आ रही है तो बेटा इसका अधिकतम ऊपरी विस्तार कितना होता है 311 सौ वोल्टेज नीचे विस्तार क्या होता है माइनस तीन सौ ग्यारह वोल्टेज और एक सेकंड में एक कितने पचास तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी बेटा 50 हट इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आने वाली है भाई पचास हट इस करेक्ट आंसर चलिए अगला देखते हैं हम गलत हो गया प्रियंका जी कोई बात नहीं बेटा यही तो सुधार करना है हमें अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है चलिए भाई हितेश जी सी के साथ जाना चाह रहे हैं आकाश जी सी के साथ गए सूरज जी डी के साथ हितेश सी, जगदीश जी सी सोनू जी डी सौरभ जी ए चलिए भाई अब हम सब कुछ एक्चुअल है बेटा यदि आप गौर से देखें तो बेटा इसका ए और बी ऑप्शन में लग रहा है कि बिल्कुल एक सा लिखा हुआ है चलो हम तो निकाल कर देखते देखो बेटा प्रतिरोध आर का आर समानुपाति क्या होता है चालक की लंबाई और उसका एरिया और आर इक्वल टू क्या निकलता है रो एल अपॉन ए रो का मतलब क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध यदि आप इसकी बात करें बेटा तो एल का मात्रक क्या होता है मीटर एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर और आर का मात्रक क्या होता है बेटा ओम आम आर का मतलब ही क्या हुआ रेजिस्टेंस तो एक बात आइए बेटा यदि हम मीटर से उड़ा दें तो ये चला गया तो बेटा अब रो इक्वल टू आर के साथ बेटा केवल ए मीटर किसके साथ पहुंचेगा एम के साथ आर का अभी अभी बताया क्या होता है ओम तो ओम इंटू मीटर तो ओम इंटू मीटर बेटा हमें किसमें मिल रहा है सी में याद रखिए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था बेटा जिन लोगों ने सी आंसर दिया था वो बिल्कुल सही है देखिए भाई करने का तरीका बता दिया कि जो प्रतिरोध होता है किसी भी सतह का वो चालक की लंबाई और क्षेत्रफल उसके साथ होता है लंबाई का ही मात्रक क्या होता है एम और बेटा एरिया का ऐसा ही मात्र क्या होता है मीटर स्क्वायर इससे हमने जैसे ही डिवाइड किया तो स्क्वायर से चला गया बचा हुआ क्या था एम अब रो पूछा था तो आर का रख दिया ओम और बेटा एच चला जाएगा इधर तो इसका मात्रक क्या हो गया बेटा रो इंटू मीटर रो इंटू मीटर सुनील जी बिल्कुल यही मोटिवेशन बड़ा प्यारा लगता है बेटा हमने तो ओम देखिए कल्याणी जी गड़बड़ मत करिए बेटा आपने जो ओम पढ़ा है बेटा ओम भी मात्रक होता है लेकिन ओम किसका है बेटा केवल प्रतिरोध का याद रखिए बेटा ओम किसका है रेजिस्टेंस का लेकिन क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ना पूछे आपसे क्या पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध याद रखिए बेटा जरा सा ये अंतर है कि ओम किसका मात्रक है रजिस्टेंस का लेकिन आपसे पूछा गया स्पेसिफिक रजिस्टेंस और उसका क्या होगा बेटा नहीं बेटा सब एक से नहीं है इसका मतलब है ओम पर मीटर और इसका मतलब है सी का बेटा ओम मीटर सभी एक से नहीं है बेटा बस इसमें कहीं गलत लिखा हुआ था क्लियर है भाई चलिए कल्याणी जी समझ गया बेटा चलिए अगली बात देखते हैं इन चारों में से आपको क्या लग रहा है कि कौन इनमें नहीं होना चाहिए ये जो चार आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं बेटा ये बताइए इनमें से कौन सा यहां पर सूट नहीं कर रहा कौन सा यहां पर आपको सही नहीं बैठ रहा है जल्दी से बताइए भाई सी 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 कुछ लोगों को डी सही नहीं लग रहा है भाई देखिए बेटा एक बात याद रखना कि जो सी है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैलोरी यहां पे सूट ही नहीं हो रहा है आपसे यही तो पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट जो रेजिस्टेंस है बेटा ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है विद्युत से जुड़ा हुआ है धारिता कैपेसिटर ये भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिजली से जुड़ी हुई है जो अवरोध होता है रेजिस्टेंस होता है वो भी किससे जुड़ा है इलेक्ट्रिसिटी से जबकि बेटा कैलोरी कैलोरी किससे जुड़ी हुई है ऊर्जा से किसी भोज्य पदार्थ याद करो जब आप नमकीन का पैकेट खाते हो या कुरकुरे खाते हो भाई या आप लोग चिप्स खाते हो तो उसके पीछे कैलोरिक वैल्यू लिखी होती है कि इतना बड़ा पैकेट खाने के बाद आपके अंदर कितनी ऊर्जा मिलने वाली है तो जो ऊर्जा लिख के होती है बेटा वो कैलोरी में होती है तो कहां बेटा चिप्स की बात है और कहा बेटा ये बातें आपस में मैच ही नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि कैलोरी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वो इन तीनों के साथ सूट नहीं कर रहा भाई क्या हो गया शैलन जी गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं जिन पदार्थों में अनंत विद्युत अरे भाई बाप बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है याद आ गया दीपिका जी बिल्कुल सही बात है बेटा बिल्कुल बस इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कराते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ हो या आपके रिवीजन में कमी हो गई हो तो बेटा यही बात है होती है तो फटाफट एक क्लिक कर जाता है और याद रखना बेटा कल से तो अगले कुछ दिन मैं पूरे फिजिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाला हूं फिर आएगा मजा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है तो कल से बिल्कुल मजा आने वाला है कि टोटल आपने फिजिक्स कैसी पढ़ी है चलो भाई मैं क्वेश्चन तो देख लू सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं क्या लिखा है बेटा जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है बिल्कुल सही भाई आपका सही आंसर है विद्युत रोधी क्या है कि बेटा देखो यदि आप प्रतिरोधक के बारे में सोच रहे हैं तो एक्चुअल में धातुओं में कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता है लेकिन उनका प्रतिरोध अनंत नहीं होता इसीलिए धातुओं में करंट आगे बह जाता है लेकिन जो पदार्थ होते हैं जिनका अनंत होता है जैसे आपका प्लास्टिक होता है आप प्लास्टिक के हैंडल से या आप रबड़ बेटा यूज करते हैं स्लीपर्स यूज करते हैं शूज यूज करते हैं तो उनमें करंट बिल्कुल भी नहीं बहता तो जिनमें करंट बिल्कुल नहीं बहता इसका मतलब कि उनकी प्रतिरोधकता कैसी है बेटा अनंत और अनंत प्रतिरोधकता का मतलब है कि उनमें करंट बिल्कुल नहीं बहने वाला ऐसे पदार्थों को हम क्या बुलाते हैं भाई इंस्यूलेटर बिल्कुल सही आंसर था बेटा बिल्कुल सही अगला बताइए एक फेराडे किसके बराबर है बताइए भाई एक फेराडे किसके बराबर है एक फेराडे किसके बराबर है कौन बताएगा इसका आंसर बिल्कुल मेरी नजर बनी हुई है भाई क्योंकि मुझे पता करना है कि आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं सोनू जी सी आंसर दे रहे हैं संगीता जी सी भाई अखिलेश जी बिसेन जी है बेटा जो हम आपके आंसर से बिल्कुल सहमत है पवन जी के आंसर से सहमत है बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका ए देखिए आपने एक कभी पढ़ा हो बेटा कैपेसिटर या कैपेसिटर मैंने भी आपको पढ़ाया था बेटा रिसेंट क्लास में और इसी का मतलब क्या होता है संधारित तो भाई संधारित्र की जो कैपेसिटी होती है हम उसको कैसे मेजर करते हैं तो सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन भी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाइए आवेश का संचय भी बढ़ता जाता है तो भाई क्यू क्यू का मतलब क्या है चार्ज और चार्ज का ऐसा ही क्या होता है बेटा कूलम और बी बी का मतलब क्या है बोल्ट क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल सही बेटा एक कूलॉम बते एक बोल्ट भाई बिल्कुल सही जिन लोगों ने आंसर दिया था Q upon B कूलॉम अपॉन bolt इज द करेक्ट आंसर कुलॉम और डिवाइड by bolt इज द करेक्ट आंसर भाई लीजिए अगला आ गया आपने कितना कॉन्सेप्ट सीखा है इलेक्ट्रिसिटी में जरा हो जाए प्रैक्टिस जरा हो जाए भाई चैलेंज है आपका और देखिए सूरज जी कह रहे हैं मेरा भाई कॉन्ग्रेचुलेशन अगला बताइए बेटा इसका क्या आंसर आने वाला है रत्नी जी कह रहे हैं बेटा कि सी है चलिए अभी चेक करता हूं बेटा कि इसका क्या आंसर आने वाला है क्या आंसर आने वाला है बेटा इसमें आपका बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है आपके कई डाउट खुलने वाले हैं डिप्लोमा लगेगा बेटा एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा मैंने पहले ही कहा है पोस्ट को लेकर डिटेल आपके सामने वीडियो मिल जाएगा आपका बहुत जल्दी चलिए भाई देखता हूं चेक करता हूं क्या आंसर दे रहे हैं भाई सबसे पहले तो लिखा क्या है कि बेटा पांच ओम के तीन रजिस्टेंस है क्या है कि आपके सामने पांच ओम के तीन रजिस्टेंस है और सभी कैसे लगे हैं श्रेणी में और इनमें क्या है बेटा एक बैटरी से इन्हें जोड़ दिया गया है और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है बेटा 1.5 पॉइंट वोल्टेज और इन सब का बेटा रेजिस्टेंस कितना है आपका पांचों एक बात बताइए कि बेटा श्रेणी क्रम में जो धारा होती है या जो करंट होता है वो कभी बटता नहीं है मतलब कि इन तीनों में जितना करंट जाने वाला है वो बिल्कुल एक जैसा जाएगा तो क्यों ना सबसे पहले तो इनका परिणामी प्रतिरोध निकाला जाए तो जब श्रेणी क्रम होता है तो उनमें बेटा परिणामी प्रतिरोध के लिए हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता उन्हें सीधे जोड़ दिया जाता है तो परिणामी प्रतिरोध कितना आ गया भाई पंद्रह अब एक बात याद बताइए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भी इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा भी इक्वल टू आई आर अब धारा का मान पूछा है तो आई इक्वल टू क्या हो गया आर v की वैल्यू कितनी है बेटा वोल्टेज कितना दे रखा है 1.5 और बेटा कितना परिणामी प्रतिरोध है 15 ओम यदि हम इस पॉइंट को हटाएं तो ये कैरी बढ़ गया 15 कम 15 होता है तो ये 1/10 आ गया और 1/10 का ही सीधा सा मतलब क्या होता है 0.1 एंपियर धारा पूछी है तो बेटा इसका आंसर क्या आने वाला है 0.1 एंपियर दोबारा समझना बेटा काफी प्यारा क्वेश्चन था ये वाला और एक कई ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था क्या था क्वेश्चन कि जब बेटा हम पांच 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 तीन सीरीज में पांच ओम के प्रतिरोध लगा देते हैं और उसे हम कितने वोल्टेज से जोड़ रहे वन पॉइंट वोल्टेज तो बताइए भाई इस प्रतिरोध में करंट कितना बहने वाला है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा ये भी याद रखिए कि श्रेणी क्रम में धारा हर जगह एक जैसी होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब परिणामी प्रतिरोध निकालो तो श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें सीधा जोड़ दिया जाता है सीधा जोड़ा तो कितना आ गया बेटा 15 ओम आ गया अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस विभव जो होता है विभव होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है तो V इक्वल टू क्या हो गया IR लो भाई R रखा 15 वोल्टेज रखा 1.5 I आ गया कितना बेटा 0.1 एंपियर भाईबा चलिए कई लोग आंसर दे चुके थे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा प्यारा आंसर दिया है सभी ने अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है देखते हैं बेटा किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान से कैसा रिश्ता है बेटा बताइए कि कोई चालक होते हैं कंडक्टर्स होते हैं और यदि हम उनका तापमान बढ़ाते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बताइए कि उनका प्रतिरोध बेटा बढ़ेगा कि घटेगा चलिए भाई क्या आंसर आने वाला है सोनू जी सबसे पहले कह रहे हैं कि सर घटता है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है कि बढ़ता है बेटा देखिए ए आंसर दे रहे हैं देखो भाई मधु ग्वालियर जी बेटा ए आंसर दे रहे हैं देखो भाई पहले सुने 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 बिल्कुल पहले मैं आपको देख लू बेटा ए आंसर बी आंसर सर ये लड़ाई चल रही है देखता हूं देखो बेटा याद रखना कि जो चालक होते हैं कंडक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं बेटा ए अपने आप में क्या होते हैं सभी के सभी मेटल्स और याद रखना है एक रामबाड़ बेटा कि मेटल्स का यदि तापमान बढ़ता है याद रखिए मेटल्स का तापमान बढ़ता है तो याद रखना कि इनका रेजिस्टेंस, इनका प्रतिरोध याद रखिए बेटा बढ़ता है याद रखिए सीधी सी बात कि यदि धातुओं का टेम्परेचर बढ़ता है धातुओं का तापमान बढ़ता है तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है हमेशा के लिए याद रखिए इसका मतलब सही आंसर कौन सा है बेटा बी बॉम्बे जहां भी मैं नाम देख रहा हूं अपने स्क्रीन में स्क्रीन में दिख रहा है कि शुभम जी और बेटा आपके मूड किलर भाई वाह क्या बात है क्या नाम है पूजा दांगी जी आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है बेटा बी इज द करेक्ट आंसर एम पी पटवारी जी मोस्ट वेलकम बेटा तो देखिए सही आंसर क्या है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के साथ कैसा संबंधित है तो तापमान बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध भी बढ़ेगा कभी आपने देखा हो तो गर्मियों में क्या है बेटा लाइन लॉस बहुत होता है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि तापमान बहुत होता है तो जो तार होता है उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है धारा कम बहती है ऊपर से आप एसी और कूलर खींचते हो तो लाइन का फॉल्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है अर्धचालक सुनिए 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 यदि में क्वेश्चन घुमा के आ जाए अर्ध चालक या सेमी कंडक्टर के साथ रिश्ता क्या है तो याद रखना सेमी कंडक्टर का रिश्ता कैसा है उल्टा और सेमी कंडक्टर का मतलब अर्ध चालक अर्ध चालक में तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा इसीलिए सोलर सेल जो बेटा आजकल सूर्य की रोशनी में बिजली पैदा होती है सोलर सेल को आप धूप में रखते हैं तो तापमान बढ़ा उनका प्रतिरोध घटा और उनमें करंट बह गया तो हमेशा याद रखिए बेटा अर्ध चालक में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा और धातुओं का प्रतिरोध बढ़ेगा चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो हमारे ड्राई सेल होते हैं उनमें कार्बन की छड़ क्या कर रही है बताओ भाई मैं तो आंसर दे चुका हूं अब आप ही बताइए कि जो कार्बन की छड़ है वो ड्राई बैटरी में क्या कर रही है भैया बाबूलाल जी कह रहे हैं बी आंसर है सैलन जी कह रहे हैं ए आंसर शुष्क सेल में ये तो भाई अभी अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था अभी कुछ ही देर पहले आपका डिस्कस हो चुका है बेटा फिर से सुन लो कम से कम अभी याद रख लेना कि बेटा जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं रिमोट में रखते हैं घड़ियों में रखते हैं उनमें क्या होता है कार्बन की छड़ कार्बन की छड़ कहां लगाई जाती है इधर और कभी भी बेटा आपको फुर्सत हो तो देख लेना इस पर प्लस लगा होता है और प्लस का मतलब ही क्या होता है एनोड और कभी भी आप देखना इधर पर माइनस लगा होता है माइनस बेटा ये आपका जिंक का बर्तन आपका कॉपर का बर्तन ये वास्तव में किसको बताता है कैथोड को तो आई थिंक आवाज दद, मिल चुका है क्योंकि कार्बन की छड़ पूछी है और कार्बन की छड़ किसका काम करेगी बेटा एनोड का बिल्कुल सही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए बेटा कहीं इसमें कुछ गड़बड़ बेटा नहीं बिल्कुल सही ऑप्शन है बताइए भाई क्या आंसर देने वाले हैं बेटा मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि क्या है देखो भाई इतना मुझे पता है कि जब हमारी बॉडी से करंट गुजरता है तो भाई करंट जरूर गुजरता है लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी बिल्कुल विरोध नहीं करती है हमारी बॉडी का भी बेटा अपना एक रेजिस्टेंस होता है तो आपसे पूछा गया है कि जब किसी शरीर में या बॉडी में करंट बहता है तो आखिर उसके रेजिस्टेंस उसके प्रतिरोध की कोटि क्या होती है वो किस कैटेगरी का होता है भाई शैलन जी बी आंसर दे रहे हैं कल्पना जी ए आंसर दे रहे हैं देखिए भाई बिल्कुल सही जो आंसर है बेटा वो आपका क्या आने वाला है टेन टू दी पावर एट याद रखिए बेटा सही कोटि क्या होती है कि ये बेटा टेन टू दी पावर सिक्स से टेन टू दी पावर एट ओम तक का हो सकता है तो याद रखना कि मानव का शरीर देखिए भाई प्रैक्टिकल करने मत पहुंच जाना नहीं तो घर में कहीं पर तार लगे हो और आप स्लीपर उतार के चेक करने पहुंच जाओ कि आप में प्रतिरोध है कि नहीं 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 ऐसा चेक करना करना है है बेटा मजाक भी कर रहा हूं और सीरियसली ठीक है थीके? हुआ क्या कि हमें क्या देखना है कि खुद का जो रेजिस्टेंस है हमारी बॉडी का आखिर वो किस कोटि का है किस पावर का होता है तो याद रखिए वो किस कोटि का होता है टेन टू दावर सिक्स से लेकर टेन टू दावर एट चलिए भाई बिल्कुल सही आंसर दे चुके हैं अगला क्वेश्चन आ जाइए हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस एलोय का होता है लो भाई याद रखो जब शादियां वगैरह होती है तो दूल्हे के चेहरे पर जो फॉक्स पड़ता है भाई क्योंकि तो दूल्हा तो बेटा दूल्हा ही लगना है कुछ उसमें चमक तो होनी नहीं, नहीं है तो क्या करते हैं कि हेलोजन लैंप लगाते हैं जानबूझकर ताकि दूल्हा बेटा अच्छे से चमके तो भाई आखिर जो हैलोजन लैंप भाई मैं तो रुक ही नहीं पाया इधर तो आंसर्स की बाहर आ गई आग लगा दी जी, 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 है भा, कल की क्लास ले ली हो तो मैंने डिस्कस किया था कि बेटा टंगस्टन जो बल्ब में होता है भाई हेलोजन में लगा होता है लेकिन उसमें सोडियम और लगा दो तो उसकी रोशनी पीली आती है तो भाई ये पीली रोशनी से दूल्हा ऐसा लगेगा कि भाई अभी अभी हल्दी चढ़ाकर आया है तो याद रखिए कि बेटा हेलोजन लैंप में जो फिलामेंट होता है वह अकेला नहीं साथ में सोडियम का और बना होता है बिल्कुल सही बात भाई मजा आ गया मैं तो आपसे चर्चा ही कर रहा था इधर का आंसर दे दिया सभी ने अगला क्वेश्चन ये बताइए भाई एसी धारा आपके घरों में हमारे घरों में इस भारत के बिजली के तारों में जो एसी करंट बह रहा है जिसे हम अच्छे से समझते हैं वो एसी किसके लिए सूटेबल नहीं है किसके लिए भाई एसी काम नहीं करेगी बताइए स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में जो हमारे घरों में बैटरी होती है उसको चार्ज करने में काम नहीं करेगा अन्नू जी गुड इवनिंग बेटा के दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर बेटा जो घरों में टिल्लू पंप चलता है उसके लिए मोटर के लिए विद्युत शक्ति संचरण हम ट्रांसमिशन एसी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं देखिये भाई जहां तक मैं देख रहा हूं रवीना जी अंकिता जी अनिल जी साहू जी बेटा मोनिका जी अमन जी बल बाबूलाल जी बेटा भाई बाप आपने बिल्कुल खट से सही आंसर दिया है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु तो अब बेटा देखो समझता हूँ कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है वो कहाँ पर हुई है क्योंकि उन्हें अपने घर की बैटरियां याद आ गई देखो बेटा घर की आप बैटरी चार्ज करते हो और घर में कौन सी करंट आ रही है एसी। लेकिन एसी इसे डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकता इसके कन्वर्जन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा एक रेक्टिफायर और रेक्टिफायर जैसे ही लगाओगे तो भैया जो ए आ रही है अब वो इसमें पहुंचेगी तो वो एसी नहीं पहुंचेगी वो डीसी पहुंचेगी क्योंकि रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देगा और फिर डीसी आपकी बैटरी को चार्ज करती है तो याद रखिए स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में एसी कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती है भाई वाह बिल्कुल सही अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं ए बताइए निम्न में से कौन सा बेटा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है देखिए भाई सभी जानते हैं कि धातुएं अच्छी चालक होती हैं भाई हमारी बॉडी एक अच्छा चालक होती है तो अब बताइए अरे भाई शिवांगी जी कह रही हैं कि भैया सभी अरे शिवांगी बेटा आप ही मेरा दर्द समझिए बस कोई लाइक नहीं करता बेटा ये सब नामकूल है कोई लाइक नहीं करता भाई चलिए क्यों एक बात आई बेटा आप लोग सॉल्ट वॉटर सॉल्ट वॉटर की तरफ जा रहे हैं मैं एक छोटी सी बात पूछू आखिर इस ऑप्शन में क्या खराबी है क्या पानी में से करंट होकर नहीं गुजरेगा भाई देखिए आप सब लोग आंसर दे रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हैं कि सर लबड़ जल होता है ठीक है भाई क्या बी आंसर नहीं हो सकता तो याद रखिए बेटा बी आंसर नहीं हो सकता आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा सॉल्ट वाटर क्या होता है कि जो हमारे घरों में पानी आता है उसमें कई सारे सॉल्ट घुले हुए हैं ऑलरेडी उसमें सोडियम घुलाए कैल्सियम घुलाए मैग्नीशियम घुलाए तभी तो बेटा उस पानी से होकर करंट आराम से आगे बढ़ जाता है वहीं पर यदि आप कभी डिस्टिल्ड वाटर की बात करें आप प्योर एच की बात करें तो याद रखना बेटा प्योर H2O से उसमें कोई सॉल्ट नहीं होगा ऐसा पानी करंट को आगे नहीं बढ़ाने वाला तो बिल्कुल सही जवाब था बेटा बिल्कुल सही शैलन जी आपकी बात से सहमत कि शुद्ध जल में कभी बिजली नहीं बह सकती बेटा सॉल्ट वाटर होगा क्योंकि हमें क्या याद रहता है कि हम बेटा पानी को हर वक्त पानी समझते हैं लेकिन हमारे आसपास जो नलों में पानी आता है उसमें कई सॉल्ट घुले हुए इसीलिए वो ऑलरेडी कैसा होता है लवण युक्त वाटर बेटा आई मिस्ड कोई बात नहीं प्रकाश जी मोस्ट वेलकम अब ये बताइए बेटा ये आप सभी ने देखा होगा कि जो बिजली के तार होते हैं याद करो बिजली के तार ऐसे लगे हुए हैं एक खम्बे से दूसरे खंबे पर लगे हुए हैं आप देखेंगे कि इसके बीच में जो पक्षी होता है बेटा इधर पर कोई बर्ड्स कोई चिड़िया अपने पंखों के साथ बैठी हुई है उसे करंट क्यों नहीं लगता आखिर बिजली के तारों पर जो भाई चिड़िया बैठती है पक्षी बैठते हैं उनमें करंट क्यों नहीं लगता भाई बाप क्या बात है मानना पड़ेगा मैं पढ़ भी नहीं पाया इधर शैलन जी अनिल प्रदीप साहू जी और देखिए बेटा और बिल्कुल मैं नाम पढ़ रहा हूं प्रमोद जी ने सबसे पहले सी आंसर दिया था और उसके बाद सौरभ मिश्रा जी का आंसर बिल्कुल सही था भाई बाह जलवा है बल्ले है बिल्कुल सही आंसर दिया है सी क्योंकि बेटा जब ये पक्षी यहां बैठा है तो एक्चुअल में वो केवल एक ही फेज पकड़ रहा है वो पूरा सर्किट ही नहीं बना रहा यदि पक्षी को वास्तव में जान से खिलवाड़ करना है तो एक पंख पकड़े ए वाला तार अर्थ वाला और दूसरा पंख खोल के पकड़ ले बेटा करंट वाला ऐसा सर्किट बनेगा कि भैया आपका पक्षी बिना मतलब में कुक हो जाएगा ठीक है अपन कहेंगे रेडी टू कुक तो बेटा पक्षी जब तारों पर बैठते तो उन्हें करंट क्यों नहीं लगता क्योंकि उनका सर्किट कंप्लीट नहीं बनता यदि सर्किट कंप्लीट बन जाता तो मामला गड़बड़ नहीं होता बिल्कुल सही होता तो भैया बिल्कुल सही आंसर था कि इनमें एक कंप्लीट सर्किट नहीं बनता है चलिए भाई फटाफट लाइक करिए बेटा सेशन को निम्नलिखित में से है भाई बाहर अगला क्वेश्चन और भी प्यारा अब तो मैं आंसर भी तब दूंगा जब बेटा तुम लोग पहले लाइक करोगे बराबर से जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है कौन सी मेटल है जो मैग्नेट द्वारा नहीं होती हमने बचपन से देखा है कि चुंबक बेटा धातुओं को अपनी ओर खींचती है लेकिन ऐसी कौन सी मेटल है जो भाई चुंबक से नहीं आकर्षित होती है भाई बिल्कुल अब मैं फिर से बेटा आपने इतनी जल्दी स्क्रॉल हो गया कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पाया कि सबसे पहले सबसे सही आंसर कितने दिया था अभी मैं देख सकता हूं भाई लो पूरा क्या गजब बिल्कुल सही आंसर दिया है तो देखो कोई बात नहीं मैं नाम नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ आपने बाजी मान ली है एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर आपने बचपन से देखा हो जो हमारे घरों में टीवी एंटीना हुआ करते थे एंटीना की भी दुनिया अलग थी क्योंकि एक एंटीना को टीवी से सेट करने के लिए तीन लोग चाहिए होते थे शायद बचपन के दिन आ जाए एक टीवी के सामने खड़ा होता था एक एंटीना घुमाने के लिए ऊपर बैठता था और एक बीच में बैठता था कि ऊपर की आवाज नीचे पहुंचा सके और नीचे की आवाज ऊपर उस एंटीना में जो एल्यूमिनियम के पाइप हुआ करते थे उनसे बेटा मैग्नेट कभी भी नहीं चिपकता है तो बिल्कुल सही आंसर दिया था भाई आपने डी भाई वाह बिल्कुल सही आंसर था अगला क्वेश्चन देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य से होता है भाई हमारे घरों के आसपास डीपी लगी होती है डाईपोल उस पर देखना एक ट्रांसफार्मर लगा होता है देखिए भाई सभी लोगों को याद आ गया प्रियंका जी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भाई देखो दूरदर्शन याद आया होगा तो शक्तिमान जरूर याद आया होगा कभी पता ही नहीं चला कि भाई गंगाधर कौन था और शक्तिमान क्या था क्या दिन थे वो चलिए भाई नेटवर्क अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा इस पर बात करते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है इसका उपयोग हम एसी को डीसी में बदलने में करते हैं या डीसी को एसी में बदलने में करते हैं या हम बेटा एसी के हाई वोल्टेज को कम करने के लिए या कम से ज्यादा करने के लिए करते हैं या डीसी के वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं चलिए भाई स्टेप अप स्टेप डाउन उन अमन ए सी और डीसी चलिए भाई बिल्कुल सही आंसर दिया है जो ट्रांसफार्मर होते हैं एक तो बेटा याद रखना ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट में इस्तेमाल होते हैं और इसका काम ही क्या होता है स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज को बढ़ाना या बोल्ट वोल्टेज को बेटा घटाना तो बिल्कुल सही क्या था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी करंट के वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है जैसे कि बेटा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर आपने इस्तेमाल किया होगा बोलू जी भाई बहुत सर्दी है मैं समझ गया रजाई के अंदर से ही पाया वो क्या बात है भाई खुश रहिए तो होता क्या है बेटा आप लोग स्टेपलाइजर इस्तेमाल करते थे घरों में जिसमें हम डाउन और अप करते थे वो भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है वो भी एक छोटा सा इस्तेमाल होता है देखो भाई एक बात मैं कहूं यदि आप इधर कंफ्यूज हैं एसी को डीसी में कौन बदलता है तो देखिए मैंने बताया था रेक्टिफायर याद रखिए बेटा कि जो रेक्टिफायर होते हैं वो एसी को डीसी में बदलते हैं फिर क्वेश्चन आता है डीसी को एसी में कौन बदलता है तो ए कौन बदलता है बेटा इन्वर्टर यदि आपके घरों में डीसी को एसी में कौन बदलेगा इन्वर्टर और एसी को डीसी में कौन बदलेगा रेक्टिफायर वहीं पर बेटा आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी के हाई वोल्टेज को लो या लो को हाई कर सकता है डीसी में ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा डीसी में ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा बेटा चलिए भाई अगला देखिए लीजिए भाई क्वेश्चन पढ़िए पहले तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि है तो बताइए भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है भाई देखिए देखते हैं आपका दिमाग कितना काम करता है आपस में जुड़ी दो वस्तुएं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने भाई दो वस्तुओं को आपस में जोड़ दिया है लेकिन फिर भी इसमें करंट नहीं रहा भैया इसमें करंट नहीं रहा धारा नहीं जा रही क्यों नहीं जा रही है क्या दोनों समान इंपल्स पर है कि बेटा दूसरा ऑप्शन दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है, तीसरा कह रहे हैं कि बेटा दोनों का रेजिस्टेंस बराबर आंसर बिल्कुल सही है बेटा जिन लोगों ने डी आंसर दिया है वो डी आंसर बिल्कुल सही है बताने वाला हूं बेटा क्यों हमेशा याद रखिए बेटा कि चाहे आपका करंट हो भाई चाहे आपका आवेश हो चाहे आपका करंट हो चाहे आपका चार्ज हो ये हमेशा कहां से कहा जाते हैं तो याद रखिए बेटा ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं एक बात याद रखिए कि क्या होता है भाई चाहे करंट हो चाहे चार्ज हो ये हमेशा हाई वोल्टेज से कहा जाते हैं लो वोल्टेज की तरफ दुनिया में कोई भी विद्युत धारा हो कोई भी आवेश हो सबका बहने का प्रिंसिपल एक ही होता है कि उन दोनों के बीच में विभवान्तर जरूरी है बिल्कुल सही कह रहे हैं साहू जी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है और जब हमने बेटा उन्हें समान वोल्टेज पर रख दिया तब उनके बीच में कोई भी करंट नहीं बह सकता उनके बीच में कोई भी करंट नहीं बह सकता बिल्कुल सही यदि आप सोच रहे हैं समान आवेग समान धारता समान प्रतिरोध कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा सही आंसर क्या है आपका पोटेंशियल या वोल्टेज चलिए भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है भी बेटा आज ही आपका आखिरी क्वेश्चन हो सकता है सेशन का तो चलिए भाई सबसे पहले जल्दी से बताइए कि आखिरी क्वेश्चन के साथ जब विदा लेने वाले तो आपका ये आंसर सही आना चाहिए इससे आपकी भी रात अच्छी कटेगी और मेरी भी चलिए भाई क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का जल्दी से देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम वो आपने पढ़ा होगा बेटा कि हम ऐसे इस्तेमाल करते थे कभी आपने सीखा हो क्या ए क्या ए तो भाई देखिए बिल्कुल सही भाई बा, आप लोगों ने दिन बना दिया रात बना दिया आंसर बिल्कुल सही दे दिया प्रेरित धारा जब हम किसी में करंट प्रवाहित करते हैं तो बेटा उसका चुंबकत्व तो कहां पैदा होता है और इंडक्शन कहां पैदा होता है क्योंकि इंडक्शन का मतलब ही होता है भवर धारा है वर्लपूल बेब्स कहां पैदा होती है तो भाई वाह सी बिल्कुल सही आंसर था तो भाई आज के सेशन में इतना ही मजा आ गया एक गहरी सांस ले सकते हैं बेटा आप लोग क्योंकि आज आप लोगों ने आंसर बड़े प्यारे दिए बिल्कुल गर्व से कह सकता हूं कि आप लोगों ने आंसर बड़े अच्छे दिए तो भाई कल से याद रखना अभी मेला खत्म नहीं हुआ है क्योंकि फिजिक्स के बेटा मेजरमेंट को छोड़कर मात्रक को छोड़कर अब मैं आपको सब पढ़ा चुका हूं तो कल से अगले तीन दिन तक मैं आपके मिक्स एमसीक्यू लेने वाला हूं पूरे फिजिक्स के मिले जुले एमसीक्यू एक साथ होने वाले हैं तो कल का मेला बेटा और भी खतरनाक होने वाला है तो चलिए कल से तैयार रहिए कॉपी पेन लेकर रहिए क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आसान क्वेश्चन भी होंगे टफ भी होंगे लेकिन इतना जरूर होगा कि वो पेपर में जरूर फंसेंगे भाई तो चलिए आज के सेशन में इतना ही थैंक यू सो मच अब मैं अलविदा लेता हूं और आपका मैथ का सेशन बहुत जल्दी आपका आने वाला है तो चलिए भाई थैंक यू जय हिंद भारत माता की जय